रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मान रही रब अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखरजा सिदकिन व अजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे बोलने का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं जनाब सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब के जवान साल भाई के नागहानी मौत पे अफसोस करती हूँ और उनके अहल आयाल के लिए दुआ करती हूँ और मरहूम को अल्लाह तबारक ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जनाब, मरी वाकया एक कौमी अलमिया है और वाकई मरी की संजीदगी भी हम देख रहे हैं इस जानिब से। मैं समझती हूँ तमाम फरीकैन किसी न किसी हद तक इस वाकये के ज़िम्मेदार हैं। जनाब, जब हकूमत के पास एदाद व शुमार थे तो उन्होंने क्यों वहाँ इतनी गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी? हकूमत और इंतज़ामिया की गफलत और बेसी की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। इस पे जनाब वज़ीर इत्तला साहब फरमाते हैं कि 1,00,000 से ज़ायद गाड़ियाँ मरी में मौजूद हैं या गई हैं, इसे बल्कि माशी कामयाबी करार दे रहे थे वज़ीर इत्तला साहब। हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है। और जनाब शेख रशीद साहब को भी मैंने सुना था, कल मैंने सुना था कि वो खुद कह रहे थे कि महंगाई बहुत है, लोगों ने होटल अफोर्ड नहीं कर सके, क्योंकि होटलों की कीमत, यही मेरे मुअज़्ज़िज़ भाइयों ने भी पहले फरमाया कि जो 3,000-4,000 रुपए की होटलों की कीमत थी, 30,000 से 40,000-50,000 तक का वहाँ पे मतलब किराया वसूल कर रहे थे। तो शेख साहब कह रहे थे कि महंगाई बहुत थी, मतलब शेख साहब तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है और महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं। महंगाई भी आपकी गवर्नमेंट का दिया हुआ अजाब है गरीब हवाम पर। और शेख साहब ये कहते हैं कि जनाब हम 2 से 3 मरी हमें बनानी चाहिए। जनाब, 1 मरीज संभाल नहीं सकते हैं और 2 से 3 मरीज की बात कर रहे हैं। और मैंने कल देखा था, 2 मिनिस्टर साहब बैठे थे टीवी पे, मैंने देखा था कि हंस हंस के बातें कर रहे हैं। जनाब, एक दफ़ा ऐसे हुआ हमारे इलाके में, किसी ने कहा, मैं जब भी कभी किसी के यहाँ ताज़ियत पे जाती हूँ लोग रोते हैं लेकिन मुझे रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चोट नहीं लगी है। जनाब, अल्लामा इकबाल साहब ने क्या दुरुस्त फरमाया, बुतुर्स अजहाय मजलूमा के अंगामे दुआ करदन इजाबत हज दर हक बैर इस्तकबाल मी आयद। जनाब, मैं मकामी लोगों को भी जिम्मेदार समझती हूँ। मकामी लोगों से मुराद वहाँ के होटल मालिकान, उनकी बेअसी, उनकी सफाकी की हद ये थी कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो कमरा जो 2 से 3 हज़ार तक का किराया था उसे 50,000 तक किया गया। इस पे जनाब हकूमत से मेरी ये दरख्वास्त है कि हकूमत इस पे एक्शन ले। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी। थैंक यू जी। सेनेटर इरफान अल हक सदीकी साहब। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।